देखो जी यही 10 साल अकाली दल भी वेख लिया 15 साल जो पिछले बीते ने बहुत ही माड़े बीते ने जोड़े कांग्रेस सरकार ने 5 साल झूठे लारे ला के सरकार बनाई हुड़का साहब की सहु खाधी कैप्टन साहब ने कम टगे का नहीं किया एक पैसे का कम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने इस बार साडा भी मन बनया पाया कि आम आदमी पार्टी वोट पावे फस्ट टाइम मुख्यमंत्री वेख्या जिन्हें स्टेज पर चढ़ के किया कि जे मैं कम किए तो मैं वोट पा दौ नहीं तो मैं वोट ना पाओ कम कि होया एक भी कम जे कांग्रेस सरकार गिनावे अपना जे बजुर्गों की पेंशन है तो वह भी जे अज 1500 मिल रही है तो वह भी केजरीवाल साहब की देन है जेडे 2 किलो वार्ड के जेडे कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल माफ किए ने वह भी किए इन्होंने है पर इन्हों को करवाए गए ने एक इस बार अं ठोक है कहने तो पूरे जज्बे नाल ही आम आदमी पार्टी जितावे तो हर वोटर असी तुहाडे चैनल के राही एक अपील करना चाहते हैं कि एक मौका इस बार केजरीवाल को दो इनू देखो जी हम केजरीवाल साहब को भी देख रहे हैं और भगवंत मान जी को भी देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली की कारगुजारी जो की है 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन से जो एक वेव उठी आम आदमी पार्टी से कि एक मसीहा निकला अरविंद केजरीवाल एक मौका चाहिए मौका देंगे केजरीवाल जी को तभी काम कर पाएंगे ना मौका देंगे नहीं तो फिर काम की आशा कैसे रख सकते हैं नमस्कार मैं निखिल पारजा फिर से स्वागत करता हूं आपका कंचन टीवी पर और जैसा कि आपको पता ही है कंचन टीवी की टीम अपनी हेलो पंजाब की चुनावी यात्रा लेकर निकली हुई है और हम अमृतसर सेंट्रल के काली माता चौक पर पहुंचे हैं यहां से लोगों का विचार जानते हैं कि लोग यहां से किसको सपोर्ट करने वाले हैं किसको वोट करने वाले हैं किसकी सत्ता कायम करने वाले हैं पंजाब में किसकी सरकार वो बनाने वाले हैं क्योंकि आपको पता ही है ये तो सब कुछ वोटर्स के ही हाथ में होता है जनता के हाथ में होता है 5 साल बाद ये मौका जनता को मिलता है और हम जनता से ही पूछने आए हैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए सर्वे करने आए हैं पूछने आए हैं कि यहाँ पर किसकी सरकार जनता बनाना चाहती है हमारे साथ एक सर हैं इनसे बात करते हैं नमस्कार सर नमस्कार जी कौन सी पार्टी को वोट करने वाले हैं सर देखो जी यही 10 साल अकाली दल भी वेख लिया 15 साल जो पिछले बीते ने बहुत ही माड़े बीते ने जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल झूठे लारे ला के सरकार बनाई हुड़का साहब की सहु खाधी कैप्टन साहब ने कम टगे का नहीं किया एक पैसे का कम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने इस बार साडा भी मन बनया पाया कि आम आदमी पार्टी वोट पावे तो जिहड़े जिहड़े जनता दे विच विचरदे आ जनता नाल भी गल हुंदी उह भी इक्को गल कहिंदे ने कि इस बार मौका केजरीवाल नूं दवांगे क्योंकि उस बंदे ने दिल्ली दे विच कम कीते ने तो उहनूं दिल्ली की जनता ने सत्ता दे विच 3 वारी काबज किया एक वारी नहीं 2 वारी नहीं 3 वार लगातार तो फस्ट टाइम मुख्यमंत्री वेख्या जिन्हें स्टेज पर चढ़ के किया कि जे मैं कम किए तो मैं वोट पा दौ नहीं तो मैं वोट ना पाओ अच्छा आप वोट किस बेस पर डालने वाले हैं कि जो पिछली सरकारें थी इन्होंने काम नहीं किया या केजरीवाल जी ने वहाँ पर काम किया या फिर मौका देना चाहते हैं देखो जी बहुत वधिया सवाल तुसी कीता है असी इन्हां दे जिहड़े लारियां तो तंग आए दे हैं क्योंकि 5 साल की कारगुजारी बिल्कुल जीरो ग्राउंड लैवल से कोई कम नहीं होया जे सीवरेज गली दे खराब होंदे तो सीवरेज वाला कोई नहीं आता जे सर्च लाइट खराब है तो कोई स्ट्रीट लाइट वाला नहीं आता तो कौंसलर वगैरह नूं कोई सवाल करो तो वह जवाब कोई नहीं देंदे फोन करते हैं जनता तो फोन का कोई जवाब नहीं आता तो ना दादा दिन बंदे आते हैं उतरे ही गंदगी च लोग रह रहे हैं पिछे डेंगू बीमारी आई बुरा हाल रहा लोग बीमार रहे हर घर से एक मैंबर बीमार से अच्छा पिछली सरकारें जो आप बता रहे हैं 10 साल अकाली दल को दिए 15 साल आपने कांग्रेस को दिए पिछली सरकारों ने ऐसे कौन से काम है जो आपके नहीं किए जिसकी वजह से आम जनता है जो अमृतसर की जनता है पंजाब की जनता है वो परेशान है सर कम कि होया एक भी कम जे कांग्रेस सरकार गिनावे अपना जे बजुर्गों की पेंशन है तो वह भी जे अज 1500 मिल रही है तो वह भी केजरीवाल साहब की देन है जेडे 2 किलो वार्ड के जेडे कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल माफ किए ने वह भी किए इन्होंने है पर इन्हों को करवाए गए ने यह कितने करते जिस दिन केजरीवाल आके 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर गया पंजाब दे विच उदों हर सरकार जाग गई भावें अकाली दल होवे चाहे कांग्रेस सरकार होवे इन्हां नूं पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार नूं क्यों नहीं याद आया बिजली लोगों की घटानी है 11-11 रुपये यूनिट इन्होंने लिता 10 साल अकाली दल ने राज किया उदों भी उन्होंने राज 3 रुपये यूनिट बिजली जो अकाली दल सरकार बनी अकाली दल जो गया उदों 7.5 रुपये यूनिट हो चुकी थी कांग्रेस सरकार आई इन्होंने 14 वारी बिजली के यूनिट वधाए तो लोगों का इन्होंने यहोजा कचुंबड़ कढ़िया कि लोग दोबारा उठ नहीं पाए लॉकडाउन के 74 साल लोगों ने सरकार पालियाँ तो जदों लॉकडाउन के सिर्फ 2 महीने बिपता आफता आई लोगों के उत्ते कोरोना महामारी के रूप के 2 महीने जनता को नहीं पाल पाए तो लानत यहोजी सरकार से यहोजी सरकार सानू नहीं चाहिए इस बार अं ठोक है कहने तो
पूरे जज्बे नाल ही आम आदमी पार्टी नूं जितावांगे ते हर वोटर नूं असी तुहाडे चैनल दे राही एक अपील करना चाहते हैं कि एक मौका इस बार केजरीवाल नूं दिओ, इहनूं जमाइए। जिदा दिल्ली च काम सुने आ वेखे आ तो उस तरह जिस तरह उन्हें प्रैक्टिकल करके विखाए ने उस तरह असी दिल्ली की सरकार चाहते हैं पंजाब दे विच भी आवे। अच्छा, आपको कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पिछली सरकारें थी वो लूट लूट कर खा गई पंजाब को। मतलब सर लूटा ही इन्होंने किया गया है, जो जिस वोटर ने वोट डाल के लीडर को काबज किया सत्ता के ऊपर, आज वो लीडर के 7 स्टार होटल बन चुके हैं और जनता आज भी बिजली के बिलों से परेशान है, बुजुर्गों की दवाई से परेशान है और बच्चों की पढ़ाई से परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब केजरीवाल जी आएंगे यहाँ पर पंजाब में, उनकी सरकार बनेगी, तो कौन से काम हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, कौन से ऐसे काम हैं? सर देखो, पहले सबसे पहले है कि सबसे पहले शिक्षा का काम, कि जो बच्चों को एजुकेशन है वो कोई भी सरकार हो, किसी स्टेट की सरकार हो, और बच्चों की पढ़ाई फ्री चाहिए हमको। और जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो डॉक्टर ही नहीं है। तो हमने खुद केजरीवाल जी को देखा है हॉस्पिटलों में जाते हुए, जहाँ दवाई नहीं होती और डॉक्टर ने पर्ची काटी होती है तो वो अपने स्टाफ को बोलते हैं वहाँ पे, अगर दवाई नहीं है तो लिखी क्यों, दूसरी दवाई लिखो। तो यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं मिलते तो पर्ची कहाँ लिखी जाएगी। मतलब जो सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों का, सरकारी स्कूलों का ही भट्टा बिठा दिया यहाँ पर। सर जब कैप्टन सरकार थी दावे किए गए थे कि 11,000 मैंने स्कूल खोला है, पर जो रियलिटी है वो 800 स्कूल बंद किए गए थे सरकारी, इन्होंने बंद कर दिए थे स्कूल। अच्छा सर, आप वोट किसको देखकर डालने वाले हो, केजरीवाल जी को देखकर डालने वाले हो, भगवंत मान जी को देखकर डालने वाले हो, या फिर आपके जो लोकल विधायक हैं डॉक्टर अजय गुप्ता जी, उनको देखकर डालने वाले हो? देखो जी, हम केजरीवाल साहब को भी देख रहे हैं और भगवंत मान जी को भी देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की कारगुजारी जो की है, 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने दिल्ली में, अन्ना हजारे आंदोलन से जो एक वेव उठी आम आदमी पार्टी से, कि एक मसीहा निकला अरविंद केजरीवाल, उसने दिल्ली में काम करके दिखाए और पंजाब के लोगों ने एक एमपी दिया हमको भगवंत मान जी के रूप में। आज तक लोगों को ये नहीं पता था कि एमपी को कितना फंड आता है, वही बताने वाले भगवंत मान जी हैं कि 25 करोड़ रुपया 5 साल का आता है, और आज तक लोगों को यही नहीं मालूम था कि फंड आता कितना है एमपी को। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि केजरीवाल जी ने वहाँ पर काम किए, आपको क्या लगता है जो आपके यहाँ के लोकल विधायक है डॉक्टर अजय गुप्ता जी, वो यहाँ पर काम करवा पाएंगे, क्योंकि आप तो सीधा केजरीवाल जी से जाकर नहीं मिल सकते, सेंट्रल हलके के जो अमृतसर जो सेंट्रल है, यहाँ के जो विधायक हैं आपके डॉक्टर अजय गुप्ता जी, आप उनसे काम करवा पाएंगे? देखो जी, पहली बात तो आपने बोला कि केजरीवाल साहब को मिले नहीं, मैं 3 बार मिल चुका हूँ केजरीवाल साहब को, और केजरीवाल जी का बेटा पुलकित केजरीवाल और उनकी लड़की अर्चिता केजरीवाल पिछले जो विधानसभा चुनाव थे 2017 में मेरे घर में आके रोटी पानी खा के गए हुए हैं, अरविंद जी के बेटा और बेटी। और बात रही डॉक्टर अजय गुप्ता जी की, नेक इंसान है, नेक दिल इंसान है, उन्होंने यहाँ पे मैंने उनको देखा कई बार गरीबों की को मकी, उन्होंने गरीबों की सेवा भी की है, लॉकडाउन में जितना उन्होंने राशन बांटा है, मैंने नहीं सोचा कि कांग्रेस के कोई भी विधायक हो या कोई काउंसलर हो उन्होंने इतना राशन बांटा हो। मतलब कि अजय गुप्ता जी, क्या भरोसा है कि जब विधानसभा में बैठेंगे, विधायक बनेंगे, तो भी समाज सेवी के तौर पे काम करेंगे, एक सेवादार के तौर पे काम करेंगे, इसकी कोई गारंटी है सर? सर गारंटी तो एक बार तो सभी की लेनी पड़ती है, हम डॉक्टर अजय गुप्ता जी की भी लेंगे, वो काम करेंगे जैसा मैंने उनको देखा है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा पास में ही है संजीवनी हॉस्पिटल उनका, ठीक है ना। मैंने कई बारी कोई लोग आते थे, कोई फ़ोन कराता था, हम फ़ोन करते थे राजनीति तौर पे कि डॉक्टर साहब बंदा आ रहा है, इनके पैसे लस कर दो, वो कर देते हैं, और क्या चाहिए इंसान को। मतलब कि भरोसा है आपको? भरोसा है जी, पूरा भरोसा है जी डॉक्टर अजय गुप्ता जी का। अच्छा, जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है जिसकी वजह से जनता, अमृतसर की जनता, पंजाब की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है? सर पहली बात तो ये है कि जिस इलाके में आप खड़े हो, टूंडादाला चौक के पास काली माता मंदिर है, उसके पास आप खड़े हो, यहाँ पे 15 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ के ऊपर 10 गलियों के अंदर शराब बिकती है, और बिकवाने वाले कौन है, यही मंत्री संतरी बिकवाते हैं और क्या, नहीं तो कौन ऐसे शराब बेचेगा, उसको नहीं पालू, मेरे को पकड़ा जाऊँगा तो मेरे को मार पड़ेगी, मेरे अंदर जेल काटनी पड़ेगी, मेरा पैसा वेस्ट होगा, पैसा देना पड़ेगा पुलिस वालों को। मतलब ये लीडरों की शह पे ऊपर बिकता है। पिछली सरकारों ने नशा बढ़ाया है,
बढ़ाया बढ़ाया सर बढ़ाया, आपने देखा ही है। केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो ये नशे पे रोक लगेगी? लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी जी, बिल्कुल लगेगी। एक मौका चाहिए, मौका देंगे केजरीवाल जी को, तभी काम कर पाएंगे ना। मौका देंगे नहीं तो फिर काम की आशा कैसे रख सकते हैं, कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ये आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले हैं, और जो पिछली सरकारों की मन में इनके प्रति भड़ास थी वो भी इन्होंने हमें सारी की सारी बताई है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो आपका वोट है, एक वोट, वो सिर्फ एक वोट नहीं है, वो आपका वोट जो 5 साल तक राज करते हैं, नेता विधायक जो राज करते हैं, 5 साल बाद वो एक वोट के लिए आपके पास हाथ जोड़कर आपके घरों में आते हैं। तो अपने वोट का सही प्रयोग करें और देश हित में अपने वोट को डालें। और ऐसी तमाम तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं निखिल पारचा, कैमरामैन शुभम के साथ, धन्यवाद।